हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इलाइट जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों जनवरी 2021 का फुल करंट अफेयर करेंगे, जो हम स्पीडी जो करंट अफेयर का बुक आता है उसमें से हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का 20वां स्थान कितना है? तो 6ठा स्थान है। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो झोंग सान सान, जो चीन के रहने वाले हैं। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO। बताइए DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो DRDO का स्थापना हुआ था दोस्तों 1958 में, 1 जनवरी 1958 में हुआ था। आगे देखिए, 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखिए, 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो अस्टेन सेल की अधिग्रहण किसने की? अनअकैडमी। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। आगे देखिए, 67वां ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर कौन बने? 67वां भारत के 67वां ग्रैंड स्लैम कौन बने? लियोन मेंडोका। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया? राजस्थान। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया 2 जनवरी को? सुजीत को शामिल किया गया भारतीय तटरक्षक बल में। 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉरी दोस्तों, आगे देखिए, 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया? म्यांमार। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंच गया है? ये न्यूजीलैंड पहुंचा है। आगे देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु पनडुब्बी की सूची आदान प्रदान की है? पाकिस्तान। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला गया? मेघालय में। आगे देखिए, 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? उड़ीसा। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्री बाई फूले की। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो लुई ब्रेल दिवस, माने विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 2021 को जारी ग्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर आया? जेफ बेजोस। बेला तूफान के कारण किस देश ने अपने 50% से अधिक जो है बिजली की उत्पादन की है? तो ब्रिटेन ने किया है। आगे देखिए, 4 जनवरी 2021 को घोषणा के अनुसार 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? कजाकिस्तान। 5 जनवरी 2021 को मेरी मार्स्टन का निधन हुआ, वे कौन थे? पर्वतरोही थे। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया? अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बना दिया, मतलब गर्भपात कोई भी करा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे देखिए, 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। किस देश की सांसद ने मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? अमेरिका। किस देश की सांसद ने ब्लूमबर्ग को राज्य का आपदा घोषित किया? तो ये केरल ने 6 जनवरी 2021 को। आगे देखिए दोस्तों, ये डेट जो होता है ना, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ये डेट जो बहुत कम इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। चलिए,
किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी सांसद का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि अमेरिका का जो सांसद है, सांसद का स्पीकर, प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है उसका वो कौन है? वो नैन्सी पेलोसी हैं। आगे देखिए दोस्तों, टेक्थन 2021 और टेक्थन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? टेक्थन 2021 का शुभारंभ स्मृति ईरानी और टेक्थन पोर्टल का शुभारंभ पोखरियाल स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल ने किया। IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय के जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू किया गया है? भारत में फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है। आगे देखिए, 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ होगा? गुलमर्ग में। एलन बर्गेज का निधन हो गया, कौन थे? क्रिकेटर थे। कब निधन हुआ? 7 जनवरी 2021 को। एलन बर्गेज क्रिकेटर। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरीज डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आशीष पेठे को। कॉलिन बेल का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? कॉलिन बेल ही फुटबॉल से संबंधित थे, कॉलिन बेल। आगे देखिए, किस राज्य ने एम पेंशन ऐप शुरू किया? मणिपुर। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल का प्रमुख कौन है? गौतम चौहान। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसने नियुक्त किया गया? करण बाजवा को। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? कारगिल में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमरा वास्कुआ को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? स्लोवाकिया के। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया? एलन मास्क। एलन मास्क जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। यह जो टेस्ला होता है कार, उसका संस्थापक हैं। किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया? रेल मंत्रालय, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। चित्रा घोष का निधन हो गया, वो कौन थी? शिक्षाविद। आगे देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक जाधव को। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? मैरिक गारलैंड। मैरिक गारलैंड जो है वो अटॉर्नी जनरल है कहाँ के? अमेरिका के। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। 10 जनवरी 2021 को राज्य कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकाय के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तेलंगाना। आगे देखिए, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोफी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान के वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन है? तो जेफ बेजोस जो है सबसे दुनिया में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? 210 देशों में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सिंधु नदी पर। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 32 वर्ष। 11 जनवरी को किसने अपने संविधान को जानो नमक पहल शुरू की? केंद्र सरकार ने। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? ये उड़ीसा में। कब? 11 जनवरी 2021 को भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा। आगे देखिए दोस्तों, किस देश ने भारत के कोविड पर्याप्त प्रयासों के लिए 221 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की? जापान। कितना? 221 करोड़। 11 जनवरी 2021 को जारी घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। 51वां राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा चुना गया? यह बांग्लादेश को। भारत में अपने लिथियम भंडार की खोज कहाँ की गई? भारत का सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार मिला है कर्नाटक में। आगे देखिए दोस्तों, 12 जनवरी 2021 को नील साहन का निधन हो गया, वे कौन थे? वो एक लेखक थे। COVID-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पर पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? RS शर्मा को। 12 जनवरी 2021 को ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया? जय शाह को। 12 जनवरी 2021 को KBIC द्वारा विकसित खादी प्रकृति पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? गुजरात। 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल
500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? 11। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा, चंद्रभागा और तलसारी। आगे देखिए दोस्तों, 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? अजय कुमार। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगर नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? महाराष्ट्र। 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार क्रियाकल पुरस्कार जीता? एम्स भुवनेश्वर। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग 2 बार 4 बार देखने से जो करंट अफेयर जनवरी का है आप बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। आगे देखिए, किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये यस बैंक। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन है? केरल। 14 जनवरी 2021 को डी प्रकाश राव का निधन हो गया, वो कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे देखिए देखिए दोस्तों, 14 जनवरी 2021 को चीनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US सहायक एजेंसी के प्रमुख किसने नियुक्त किया? थामांता पावर को। 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 4थे स्थान पर। दुनिया का सबसे पुराने गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? इंडोनेशिया में। किस देश ने सहकारी स्कूलों की अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। टेसोल कोर सर्टिफिकेट पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने। आगे देखिए, 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? हरियाणा। USA ने किस देश को आतंकवाद राज्य के प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा को। 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 जनवरी 2021 को कितने वर्ष के लागू होगी? 5 वर्ष के लिए। 15 जनवरी 2021 की गई घोषणा के अनुसार इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो बांग्लादेश। लेकिन ये भाग ली नहीं क्योंकि कोविड इतना बड़ा हुआ था कि आ नहीं पाया कोई गणतंत्र दिवस में अतिथि के रूप में। चलिए, 15 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपना नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की? जक्सा। 15 जनवरी 2021 को किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए? नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री कौन है? प्रदीप कुमार गयावाली। आगे देखिए दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? अश्मी। आगे देखिए, 16 जनवरी 2021 को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? गोवा में। 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जुन मुंडा को। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? उड़ीसा ने माफ़ कर दिया है मैट्रिक तक के फीस। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से 367,000 परिवारों को जोड़ा है? उत्तर प्रदेश। सिल्वर सल्वर किसे सम्मानित कौन है? सिल्वर सल्वर से पृथ्वी पाल। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए कोरोना अभियान चलाया? गुजरात। सैकरण का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में। 17 जनवरी 2021 को सैकरण का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया? इंडोनेशिया। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का निर्धारित रखा है? तो यह 2040 तक पेप्सिको जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आगे देखिए, किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी। फिजी के राजधानी कहाँ, फिजी के कैपिटल कहाँ दोस्तों? तो फिजी के सुआ। आगे देखिए दोस्तों, 17 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो विदुर शर्मा को। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों का शुरुआत किया है? 8। 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ी है? तो 2.3% बढ़ी है। 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? इंडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 2005 में। 18 जनवरी 2005 में स्थापना हुआ था और 2021 में 16वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखिए दोस्तों, 18 जनवरी 2021 को भारत में COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये मनीष कुमार पहले व्यक्ति हैं जो COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं।
आगे देखिए, किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? पेट्रोलियम मंत्रालय। 18 जनवरी 2020 को, 18 जनवरी 2021 को, सॉरी दोस्तों, 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया 18 जनवरी 2020 को? तो 453 को, 453 जो प्ले स्टोर से ऐसे ऐप हैं जो पर्सनल लोन देने वाले हैं, इसको गूगल ने हटा दिया। आगे देखिए, अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? रसिया। 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश को पराक्रम दिवस को किस दिन को पराक्रम दिवस मनाने के लिए मनाने में की घोषणा की है? 23 जनवरी। किस राज्य में पौष पर्वण मेला मनाया गया? त्रिपुरा में। पौष पर्वण मेला मनाया गया त्रिपुरा में। किस राज्य में पहली पक्षी उत्सव करलव का उद्घाटन हुआ? बिहार में। ये कहाँ हुआ? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? पाकिस्तान। ये साइनोफार्मा कोविड-19 टीके का मंजूरी पाकिस्तान ने दिया है। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? कोरलुन मारिन ने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्राप्त प्रदान करने की घोषणा की है? बांग्लादेश को। 2 मिलियन कोविड-19 खुराक देगा। 20 जनवरी 2021 को 43वें कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस। 20 जनवरी 2021 को जनवरी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया झांसी में। कहाँ किया गया? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में। झांसी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया? केरल में। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात। आगे देखिए दोस्तों, किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर, गुच्छी मशरूम। सुंदरम फाइनेंस का एमडी किसने नियुक्त किया गया? राजीव लोचन को। आगे देखिए दोस्तों, 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से M21 MiG-29 और 12 Sukhoi-30M के आई लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? रसिया से। मतलब MiG-29 21 खरीदेगा और Sukhoi-30M के आई 12 खरीदेगा, 12 खरीदेगा। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने। आगे देखिए, हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। 43वें रेडियो हिल्स यांगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ से लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया? चांडी प्रसाद मोहंती को। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया? तसारी छू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गाँव का निर्माण किया है? तसारी छू गाँव के किनारे। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू किया है? असम ने। किस राज्य सरकार ने पुलिस अकादमी किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? राजस्थान। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ी गई? डोडा जिले से। आगे देखिए, 22 जनवरी 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया? सुशांत सिंह राजपूत। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस का डेट ऑफ बर्थ है, जयंती मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया? तो डलनवाला में। आगे देखिए, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? डगलस एम हॉफ। भारत के पहले लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया किसने? अर्जुन मुंडा ने। आगे देखिए दोस्तों, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो ये राजस्थान ने किया है, इसमें केवल महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा जोड़ दिया है।
आगे देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? श्याम श्रीवास्तव को। श्याम श्रीवास्तव को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से किसे मिला? निखिल श्रीवास्तव को। संवेदी तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? उत्तराखंड ने। किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर की पैकेज घोषणा की? मलेशिया ने। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्रा जेनेका टीके को मंजूरी दी है? यह श्रीलंका ने दिया है। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में ही हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमन। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी 2021 को? तो उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आगे देखिए, 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? ये 32 बच्चों को। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में एक पौधा पोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है? राजस्थान में। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? उत्तराखंड के सृष्टि गोस्वामी। आगे देखिए, एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेसएक्स ने। इकोनावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 2 लाख श्रमिक को कर्नाटक। बंजार पूंजीकरण के आधार पर देश के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? TCS। आगे देखिए, किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो ये भावनाकंठ बिहार के रहने वाली है, दरभंगा जिले के। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। आगे देखिए, 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। क्या मेगा कविता कार्यक्रम के उद्घाटन। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किससे मिला? मेघालय को। अंकटांड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो यह चीन, दूसरा अमेरिका। नाम पुस्तकालय कहाँ खोला गया? कोलकाता में। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे बुक अभयारण्य कहाँ में स्थापित किया जाएगा? कोप्पल में। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बने? उत्तर प्रदेश। आदिवासी मेला शुरू कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP में कितने % संकुचन का अनुमान लगा है? 8%। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया जाएगा है? केरल में। कविता बीज जो 4 दिवसीय काव्य उत्सव है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया? तारक शाह को। काजा कालास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया के। आगे देखिए, IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 11.5%। मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई-इपिक किसने शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहल की शुरुआत की है? सोनू सूद। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 25वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। आगे देखिए, विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता कौन बना है?
कंपनी कौन बना? टोयोटा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। यूपी सिंह को किस राज्य का सचिव नियुक्त किया गया? कपड़ा मंत्रालय। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। आगे देखिए, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? इजरायली दूतावास के पास। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन सा स्थान पर रहा? 86वां स्थान पर। पहला स्थान पर न्यूयॉर्क और डेनमार्क रहा। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? ये उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को। किस देश ने भा कौन सा देश ने कौन सा देश अमेरिका अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड टीकों को खुराक प्रदान करेगा? भारत। हम लोग को अभी तक कोविड-19 का टीका मिला ही नहीं है, और ये अफ्रीका को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान, पता नहीं कौन कौन सा देश को दे रहा है, हम लोग को अभी मिला नहीं। हम लोग मर जाएंगे, अदर देश वाले जिंदा रहेंगे, क्या मामला है। आगे देखिए, 29 जनवरी 2021 को किस अभिनेता का निधन हो गया? अरविंद जोशी। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस, जो महात्मा गांधी के 73वां पुण्य दिवस था। 23 नई गर्बेज कैफे कहाँ खोला गया? दिल्ली में। एयरटेल ने भारत के किस राज्य में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया? तेलंगाना ने। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन सा है स्थान पर? 10वां स्थान पर। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बना? हंगरी। आगे देखिए, थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। आपको यह नहीं पूछेगा कि 31 जनवरी को, 31-31 जनवरी ये नहीं पूछता है दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछता है कि थीपुसुम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या मनाया गया? तो तमिलनाडु में। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट्टी है? इंडोनेशिया। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है? फ्रांस। चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया है? मध्य प्रदेश में। ज़्यादा ज़्यादा ये उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, 400 करोड़ रुपये दिया है, 20 लाख आदमी को दिया है, तो ये जानते हैं कितना एक आदमी को पड़ेगा? एक किसान को मात्र 2000 रुपया पड़ेगा, मात्र 2000 रुपया पड़ेगा बस। चलिए आगे, जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत जो है कौन सा स्थान पर है? 86वें स्थान पर। किस देश के शासन प्रमुख को वहां के सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? म्यांमार। आगे देखिए, 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक माई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हमीद अंसारी। इस प्रकार दोस्तों हमारा जनवरी का करंट अफेयर समाप्त हो गया और फरवरी चालू हो गया। फरवरी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसका भी फुल वीडियो बनाएंगे जो जिसमें फरवरी फरवरी का मंथ पूरा रहेगा। यह हम लोग स्पीडी जो करेंट अफेयर आता है मार्केट में उपलब्ध बुक है उसके हम लोग पढ़ रहे हैं। जो सभी करेंट अफेयर जो भी एग्जाम में आता है उसमें से स्पीडी करेंट अफेयर बहुत एकदम अच्छा बुक है। आप लोग तो जानते हैं कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और इसमें क्या कहना है, आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि ऐसी वीडियो आपको पाना है तो। थैंक यू।